हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, LIFT, जिसके अंदर LI दिया हुआ है, IF दिया हुआ है, LL, TL और LF दिया हुआ है, IT भी दिया हुआ है। जो चीज गिवन है उसको सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और एक हम करते क्या है, सबसे पहले एक रफ स्केच क्वाड्रिलेटरल का ड्रॉ करते हैं LIFT का, और इजिली जो पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं उनको, जो LTI है, LT और Y, ये जो पॉसिबल ट्राइंगल है, सबसे पहले इनको हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। और इसको सबसे पहले हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम 2.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और L को सेंटर मानेंगे, T को सेंटर मानेंगे, 4-4 सेंटीमीटर पे हम इनको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो साइड 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 का जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम सबसे पहले करेंगे। सो LTI जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे मेजरमेंट जैसा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, और फिर हम क्या करेंगे, टी से हम एफ को सेंटर मानेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने एफ मान लिया, और एल और टी जो दोनों दिए हुए हैं वर्ड्स, इनके अकॉर्डिंग हमने 4.5 और 3 सेंटीमीटर का हमने सेंटर मान लिया, 3 सेंटीमीटर यहाँ से और 4 सेंटीमीटर यहाँ से, राइट। तो ये जो एफ है, इस तरीके से LIFT ये कंप्लीट बन करके तैयार हो गया, जो रिक्वायर्ड हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गोल्ड GOLD, OL हमें दिया हुआ है, GL भी दिया हुआ है, GD भी दिया हुआ है, LD भी दिया हुआ है, OD भी दिया हुआ है। तब करेंगे कैसे, जो चीज़ गिवन है उनको सबसे पहले आप नोट डाउन करिए, उसके बाद एक रफ डायग्राम आप बनाइए जिसके अंदर LIFT आपको दिखे, और जो पॉसिबल ड्रॉ हम देख पा रहे हैं वो DZL का देख पा रहे हैं, DZ और L। ये देखिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 6 6 5 सेंटीमीटर का ये पूरा कंप्लीटली आपको दिख रहा है, और इसके थ्रू आप काफी कुछ चीजें देख सकते हैं। ये 6 और ये 5, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज जो कि बहुत ही क्लियरली दिख रही है कि आप DZL जो है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हमारा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि जो डी से एल तक है एज अ सेंटर हमें दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे डी एल को हम सेंटर मानते हुए 10 सेंटीमीटर का और 7.5 सेंटीमीटर का, एक तरफ से 10, एक तरफ से 7.5 सेंटीमीटर का हम ड्रॉ करेंगे, ये डी और ये 7 सेंटीमीटर। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया ओ, और इस तरीके से ये जो ओ ज्वाइन कर दिया हमने ओ से जी को, ओ से डी को और ओ से एल को, जब हमने ज्वाइन किया तो ये कंप्लीट हमारा रिक्वायर्ड जो क्वाड्रिलेटरल था वो बन करके तैयार हो गया। इस तरीके से रोम्बस हमें बनाना है BENB। देखिए रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये BEN भी दिया हुआ है और DE भी हमें दिया हुआ है, DE दिया हुआ है और BN दिया हुआ है, जिसमें कि जो डायगोनल्स हैं वो अलग अलग हैं, जो रोम्बस हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये 900 नहीं बल्कि 90 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक जब करते हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ओ जो हमारा है वो मिड पॉइंट है इंटरसेक्शन का, और ED OD ये 3.5 हो जाएगा, इसका जब हम आधा करेंगे 6.5 का तो ये हो जाएगा 3.25 और ये भी हो जाएगा 3.25, राइट। इस तरीके से एक स्केचली हमने ड्रॉ कर लिया रोम्बस के लिए, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। तो 3.5 के लिए हमने क्या किया, यहाँ से 3.5 और यहाँ से भी हमने 3.5 ले लिया, और इसको हमने बाइसेक कर दिया इसके हाफ से, और हाफ से बाइसेक करने के बाद हुआ क्या कि इस लाइन में हम देख पा रहे हैं कि BN जो हमारा है वो 5.6 है। हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि लाइन के हाफ से ज़्यादा हम लेते हैं, ये जैसे लाइन है कोई भी, इसके हाफ से ज़्यादा लेंगे, यहाँ भी हाफ के ज़्यादा लेंगे, और यहाँ पे ये और ये कम्प्लीटली हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ कर देंगे तो ईजिली हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद से हम यहाँ पे जो हमें चाहिए 3.25 यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ भी 3.25, यहाँ भी 3.25, यहाँ भी 3.25 करेंगे, और इन सबको जब हम जोड़ देंगे, लाइन को एड कर देंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो कम्प्लीटली जो क्वाड्रिलेटरल हमें चाहिए था वो क्वाड्रिलेटरल हमें मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि हमने BD को ज्वाइन कर दिया, DN को ज्वाइन कर दिया, BE को ज्वाइन कर दिया और EN को ज्वाइन कर दिया, तो जो रिक्वायर्ड हमें क्वाड्रिलेटरल था
वो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। इस तरीके से आप देख पाओगे कि कम्प्लीटली हमें इन चीजों को हमने बना दिया। और आई होप कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट लगता है तो ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। राइट, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।